हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपका मोबाइल का जो सिग्नल होता है अचानक क्यों गायब हो जाता है, या कभी कभी सिग्नल आ जाता है और कभी कभी चला जाता है, तो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और मैं टेक्निकल आई मीन टेक्निकली मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे फॉल्ट होता है, तो ये आपको प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ता है। तो ये जो प्रॉब्लम है आपको शहर में भी देखने के लिए मिलता है और गाँव में भी मिलता है, मतलब जहाँ पे भी हैं आप, जहाँ पे भी मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो अक्सर जो है कभी कभी ऐसा होता है। तो ठीक है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि मेरा मोबाइल खराब है। आपको मोबाइल खराब नहीं होता है, वहाँ पे सिग्नल का कुछ और ही प्रॉब्लम रहता है। तो चलिए इस वीडियो हम लोग जानते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। और हाँ, अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्त देखिए, इस तरह का जो है टावर है, ठीक है, जैसे आप अगर सिटी में रह रहे हैं या आप अपने गांव में रह रहे हैं, ठीक है, तो आपके गांव के चारों ओर जो है इस तरह का टावर रहता है, ठीक है, या आपके शहर के चारों ओर इस तरह का टावर रहता है, ठीक है। तो एक टावर जो है दूसरे टावर से कनेक्टेड रहता है आपका, ये जो है देख रहे हैं ना, माइक्रोवेव लिंक के थ्रू, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि ये आज जो है आपका मेन टावर है, और ये जो आपका मेन टावर है, ठीक है, इसको आप BSC मान लीजिए, इसको भी BSC, क्योंकि जो है एक BSC जो है बहुत सा जो सेल टावर को हैंडल करता है। अब BSC जो है MSC से कनेक्टेड रहता है, जिसको हम लोग मोबाइल स्विचिंग सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप मेन टावर मानिए, इसको भी मेन टावर मानिए। तो यहाँ से जो सिग्नल जा रहा है और आ रहा है, तो आपके MSC से आएगा और MSC से जाएगा, ये भी आपका उसी तरह MSC से आएगा और MSC से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सिग्नल जो है आपका इस तरफ जा रहा है और इस तरफ जा रहा है, और यहाँ से सिग्नल भी इस तरफ जा रहा है और इस तरफ जा रहा है। तो मतलब क्या है, ये जो है आपका है रिंग में है, ये जो आपका रिंग में है। तो जब भी आपका जो है टावर, आप देखेंगे टावर पर ये जब डमरू लगा है, तो समझ जाइए कि माइक्रोवेव एंटीना है, ठीक है। तो आपका जो सिग्नल है वो टावर के ऊपर से टावर टू टावर बात करता है, ठीक है। टावर के टॉप में देखेंगे ऐसा डमरू वाला एंटीना रहेगा, तो ऊपर से ही ऊपर बात करता है। जब आप फोन करेंगे तो आपका कॉल ये GSM एंटीना में जाएगा, फिर GSM एंटीना BTS में जाएगा, फिर BTS आपका ट्रांसमिशन से कनेक्टेड रहता है, फिर ट्रांसमिशन जो है आपका ये माइक्रोवेव एंटीना से कनेक्ट रहता है, फिर ये आपका सिग्नल क्या करता है, इस टावर को भेज भेज देता है, ठीक है। और जो ये जो आपका टावर जो ऑन एयर रहता है, इसी इसी माइक्रो ये जो माइक्रोवेव कनेक्ट है, तभी ये टावर आपका ऑन है, तभी आप जो है आपका टावर आई मीन ऑन एयर है, तभी आप जो है आप इसमें कॉल कर पा रहे हैं, और तभी आपका कॉल कनेक्ट हो रहा है, तभी आपके मोबाइल में कवरेज दिख रहा है, ठीक है। तो दोस्त क्या होता है, जब आपके मोबाइल में अचानक सिग्नल गायब हो जाता है, इसका मतलब है कि आपके जो नज़दीक का जो टावर है वो बंद पड़ गया है, आई मीन उसको हम लोग बोलते हैं टेलीकॉम भाषा में कि साइट डाउन हो चुका है, ठीक है। तो साइट अगर डाउन हो गया है, तो वहाँ पे ना तो आपका कॉल आएगा कहीं से, अगर कहीं ऐसे आपको फोन कोई कर रहा है तो आपका फोन नहीं आएगा, आपका कॉल नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ मान लीजिए सब यहाँ से क्या होता है कि जैसे इस ये टावर और ये टावर के बीच में ये ब्रेक हो गया, ठीक है, और यहाँ पे भी ब्रेक हो गया, तो ये जो पूरा जो टावर है आइसोलेट हो गया, मतलब पूरा ये मतलब डाउन हो गया, क्योंकि ये सिग्नल किसी यहाँ से मिल ही नहीं रहा है इसको, तो ये साइड तो ऑन रहा ही नहीं, ये डाउन हो गया। तो इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल में आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे सिग्नल आता है जाता है, तो ऐसा क्यों होता है दोस्त, देखिए ये जो है पहला ये जो देख रहे हैं, ये तो देखिए आपका प्रोटेक्शन में है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर ये ब्रेक हो जाता है माइक्रोवेव लिंक बारिश के कारण या आंधी तूफान के कारण, क्या होता है कि ये और ये माइक्रोवेव एंटीना और ये माइक्रोवेव एंटीना, ठीक है, दोनों जो है अलाइनमेंट रहता है फ्रिक्वेंसी के थ्रू, ठीक है। तो उसका भी कुछ RSL लेवल रहता है, ठीक है, कुछ पॉइंट रहता है कि इतना के बीच में ये जो है सिग्नल को अच्छा से रिसीव करेगा और अच्छा से सेंड करेगा, ठीक है। तो वो क्या होता है कि RSL जो है इंक्रीज हो जाता है, जैसे -36 रहना चाहिए तो क्या होता है -76 चला जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो है लिंक डाउन हो जाता है, ये टावर कनेक्टेड नहीं रहता है, तो ये क्या करेगा, ये टावर को सिग्नल नहीं भेज सकता है, ठीक है। अगर यहाँ से ये कनेक्टेड है, तो यहाँ तो भेज देगा, यहाँ से यहाँ ये भी भेज देगा, लेकिन अगर यहाँ पे ये डिसकनेक्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे डिसकनेक्ट हो गया, तो क्या होगा, नहीं भेज पाएगा। तो फिलहाल तो ये देखिए इस तरह का, अगर ये रिंग में है तो दिक्कतें नहीं होती है जहाँ पे भी इस तरह की साइटें हैं, लेकिन बहुत से आप देखेंगे कि गांव में टावर आया, फिर गांव से एक गांव में देखेंगे कि एक ही ये डमरू लगा हुआ रहेगा टावर पे, तो समझ जाइए कि जो आपका जो है गाँव में जो टावर है वो टावर प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है, वो माइक्रोवेव लिंक पाथ पे चल रहा है लेकिन वो रिंग में नहीं है, प्रोटेक्शन में नहीं है। तो क्या होगा कि जब भी बारिश होगी तो क्या होगा कि वो जो है आपका आई मीन जो साइट है फ्लैक्चुएट करेगा, तो साइट फ्लैक्चुएट करेगा, तो आपका मोबाइल में जो कवरेज जो है कभी आएगा और जाएगा। जैसे आप किसी को फोन करेंगे तो क्या होगा, आपका बीच में सिग्नल ब्रेक हो जाएगा, बार बार आपका कॉल ड्रॉप होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका मोबाइल का इशू नहीं होता है, ठीक है, आपका सिम का भी इशू नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टावर का सिग्नल का इशू होता है, क्योंकि टावर का जो सिग्नल है एक टावर से दूसरे टावर को पकड़ रहा है, छोड़ रहा है, पकड़ रहा है, छोड़ रहा है, इसके कारण होता है। जैसे यहाँ पे बारिश हुई, ठीक
ठीक है। तो यहाँ पे जब बारिश हुई तो यहाँ से यहाँ तक तो आ रहा है सिग्नल इस टावर से, मेन टावर से, लेकिन यहाँ इसको नहीं भेज रहा है क्योंकि सिग्नल ब्रेक हो गया। तो ये यहाँ से अगर नहीं भेज रहा है तो ये टावर डाउन हो गया, ये टावर पे ना आपको कॉल लगेगा ना तो आपके, अगर ये टावर से आपका मोबाइल कनेक्टेड है तो आपके मोबाइल में आपका सिग्नल भी नहीं रहेगा, आपको कवरेज नहीं मिलेगा। ये टावर पे नहीं मिलेगा, ये टावर पे नहीं मिलेगा, ये टावर पे मिलेगा, मतलब ये तीनों टावर जो है, ये तीनों टावर में जितने भी आई मीन गाँव में या शहर में रहेगा उस आदमी को कवरेज नहीं मिलेगा ये तीनों से, क्योंकि ये तीनों डाउन हो चुका है। ठीक है, इस पे मिलेगा आपको, इस पे मिलेगा, फिर बाकी ये देखिए ये दो तीनों, ये दोनों में नहीं मिलेगा, ये दोनों में नहीं मिलेगा, फिर इसमें मिलेगा, क्योंकि ये जो है इसका कवरेज, इसका जो है ये जो है यहाँ से कनेक्टेड है। ठीक है, तो कनेक्टेड है मतलब ये आपका ओनर है, ओनर है, तो यहाँ से जो भी आदमी आपको कॉल करेगा आपको यहाँ तक आएगा, ठीक है, यहाँ तक नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसी कारण ज्यादातर क्या होता है जब माइक्रोवेव लिंक का, देखिए नेगेटिव पॉइंट है दोस्त, अगर आपके गांव में अगर टावर के ऊपर डमरू लगा हुआ है, ठीक है, तो आंधी तूफान या बहुत जोर से बारिश आती है तो जरूर आपका जो है सिग्नल आपका आएगा जाएगा, फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि लॉस आ जाता है आपका ये दोनों के बीच में, दोनों माइक्रोवेव के बीच में जो अलाइनमेंट क्या वो रहता है वो डिस अलाइन, आई मीन अलाइनमेंट उसका हट जाता है, वो जो जो कनेक्टेड रहता है वो डिसकनेक्ट हो जाता है, मिस अलाइन आप बोल सकते हैं, वो मिस अलाइन हो जाता है। ठीक है, कभी कभी तो क्या होता है कि मतलब ज़्यादा आंधी आया तो ये आपका माइक्रोवेव क्या होता है कि घूम जाता है इस साइड, तो वो उस स्थिति में क्या होता है कि आपको सिग्नल मिलेगा ही नहीं जब तक इंजीनियर टेक्नीशियन आके उसको ठीक ठीक नहीं करता, अलाइनमेंट नहीं करता, जब तक आपको सिग्नल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जब भी आपके आई मीन आपके गांव में टावर है, आपका शहर में टावर है और एक ही डमरू दिख रहा है, तो समझिए कि प्रोटेक्शन में नहीं है और बारिश वारिश आएगी तो आपको दिक्कत होगा। ठीक है, और मैं बताता हूँ आपको कि फाइबर, जो फाइबर वाला का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्त, ये जो है आपका फाइबर है, ठीक है, ये आपका फाइबर है। फाइबर क्या है कि देखिए यहाँ देखिए इस तरह से चार ओर है, ठीक है, और जो मेन जो आपका फाइबर है, देखिए पूरा ये तो पूरा आपका कंट्री में या वर्ल्ड में बोल सकते हैं पूरा बिछा हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी भी इंडिया में बहुत सा ऐसा टावर है जहाँ पे फाइबर नहीं आया है, लेकिन जियो जो है कोशिश कर रहा है आपका अपना हर एक टावर तक फाइबर पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो ये देखिए मेन जो फाइबर है यहाँ पे ये कनेक्टेड हो गया, ये भी मेन फाइबर है, इस टावर पे कनेक्टेड हो गया। अब क्या हो रहा है, क्या अब क्या है कि ये जो फाइबर है ये जो है सभी टावर आई मीन और धरती के नीचे जाता है। ठीक है, तो ये जो है अंडर अंडर लैंड उसको बोल सकते हैं, तो ये धरती के नीचे गया और आपका जो है ये टावर पे कनेक्ट हुआ, ये टावर पे कनेक्ट हुआ, ये सभी टावर पे ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो है फाइबर के थ्रू जो ही आपका जो सिग्नल आएगा और जाएगा, जैसे आप बात करेंगे, ठीक है, तो आपका जो जो सिग्नल है जो है ये फाइबर के थ्रू ही आएगा जाएगा। ठीक है, तो फाइबर में क्या होता है कि जैसे बारिश होती है या आंधी तूफान आता है तो आपका जो सिग्नल का प्रॉब्लम नहीं होता है, कॉल क्वालिटी का उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई रोड बन रहा है या कुछ खुदाई हो रहा है तो वहां पे क्या करता है कि वो लोग आजकल जेसीबी यूज करते थे, जेसीबी जब यूज करते हैं तो क्या होता है कि जैसे जेसीबी यूज किया तो क्या करता है फाइबर केबल को काट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर काट देगा तो आपको दिक्कत नहीं है, आपको तो इस तरफ से मतलब कॉल आप करेंगे तो इस तरफ से चला जाएगा आपके दोस्त के पास। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि सेम टाइम पे यहाँ पे भी कट गया और यहाँ पे भी कट गया तो ये सभी टावर बंद हो पड़ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे भी जेसीबी काट दिया है और यहाँ पे भी काट दिया तो ये सभी टावर बंद हो जाएगा। तो फाइबर में जो है कभी कभी दिक्कतें आती है, हमेशा दिक्कतें नहीं आती है। ठीक है, माइक्रोवेव लिंक में ज्यादातर दिक्कतें आती है, मैं आपको और बताता हूँ डिटेल तरह से। देखिए दोस्त, ये है आपका, ये जो है कनेक्टेड फाइबर पाथ फ्रॉम सेल फोन टावर। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये आपका मेन सेल फोन टावर है, ये अभी आपका मेन है। ठीक है, और यहाँ से ये फाइबर मेन आया यहाँ पे और यहाँ से फिर फाइबर आपका मेन आया, और इस तरह से देखिए टावर से जो है इस तरह से आपका जो ये टावर है, ये जो टावर है इस तरह से कनेक्टेड है, इसमें मैं आपको दिखाया हूँ इस तरह से ये कनेक्टेड है। ठीक है, और ये जो है फाइबर को इस तरह जो फाइबर केबल को यूज किया जाता है कनेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये आपका पूरा रिंग में है, कहीं एक जगह ब्रेक होता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे भी ब्रेक हो गया और यहाँ पे भी ब्रेक हो गया तो यहाँ जितने भी टावर इस फाइबर से जुड़ा हुआ है सभी आइसोलेट हो जाएगा, सभी डाउन हो जाएगा, सभी का कवरेज जो है चला जाएगा, ना उस टावर में कॉल लगेगा ना तो उस टावर से आपको सिग्नल मिलेगा। ठीक है, उसी उसी प्रकार जो है इस साइड भी अगर यहाँ पे कट गया और यहाँ पे भी कट गया तो यहाँ पे जितने भी टावर है सभी डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सिग्नल जो है नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे मैंने फोटो आपके लिए स्पेशल लगाया कि देखिए जब जब जीएसएम एंटीना से सिग्नल जब रेडिएट होता है तो इस तरह के देखिए जो है कवर करता है आपके एरिया को। ठीक है, इस प्रकार करता है, तो ये चीज़ आप ध्यान में दीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए डिसकनेक्टेड फायर पाथ फ्रॉम सेलफोन टावर, आप देखिए क्या है कि नो प्रोटेक्शन फाइबर लिंक पाथ, आप देखिए यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं है, देखिए यहाँ पे कट है और यहाँ पे भी कट है, तो ये जो है ये यहाँ से जो मेन आपका फाइबर आ रहा है इस टावर में आ रहा है, तो यहाँ से और यहाँ से जो भी टावर कनेक्टेड है इस फाइबर में
वही चलेगा। मान लीजिए यहाँ पे एक टावर कनेक्टेड है, यहाँ पे कट हो गया, तो ये जो है टावर यहाँ पे आइसोलेट हो जाएगा, ये रिंग में नहीं है। लेकिन ये जो था आपका बेटर था, ये आपका रिंग में है, ठीक है। तो इंडिया में अभी बहुत ऐसा साइट है जो मतलब प्रोटेक्टेड नहीं है फाइबर के थ्रू, ठीक है, उसको अभी भी प्रोटेक्ट करना बाकी है। अगर अगर जब प्रोटेक्टेड हो जाएगा पूरा फाइबर, मीन पूरा रिंग में हो जाएगा, तो आपका ना तो कॉल का दिक्कत होगा, ना तो डेटा का दिक्कत होगा, और आपका वॉइस का भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग दोस्त, जब भी मतलब आपको प्रॉब्लम आता है, वॉइस ब्रेक का, या सिग्नल आता जाता है, या अचानक सिग्नल चला गया, ठीक है, तो मोबाइल का प्रॉब्लम नहीं होता है। आप मोबाइल को कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मोबाइल को क्या करते हैं, ऑफ करते हैं फिर ऑन करते हैं, ठीक है। तो आप कभी कभी क्या होता है, डिवाइस का भी प्रॉब्लम रहता है, लेकिन जनरली नहीं रहता है, ठीक है। तो आपको लगता है डाउट, तो आप क्या कीजिए, आप एक बार मोबाइल को आप रिस्टार्ट करके देख लीजिए। लेकिन जनरली ये प्रॉब्लम होता है जब अगर बारिश अगर पूरा हो रही है, या तूफान आया हुआ, या मतलब हवा बहुत जोर से चल रही है, और आपका सिग्नल फ्लैश आ रहा है जा रहा है, तो आप समझ में जाइए, समझ जाइए कि जो टावर टू टावर जो है वो सिग्नल फ्लैक्चुएट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा दोस्त, मतलब क्या प्रॉब्लम होता है और क्या चीज़ होता है टावर पे, तो आपको मतलब इस तरह का फेस करना होता है। तो चलिए, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और फिर मिलते हैं अच्छी वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।